अरे राज भैया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कहाँ रहनी आप अब तक? एनीवे, आपके पता बा ना घर में का हो रहल बा का ना? हाँ पता बा हमके। तो फिर आपके इहो पता होगी कि केकर हार हो रहल बा केकर जीत? तो आप सोच ले बानी केकर साइड लेवे के बा केकर ना? वो कहा ना लिया कि पिछला बार हम जेकर साइड रहनी ना वहाँ पे भी हमके कुछ फायदा ना भइल, नुकसान भइल। तो अभी हम केहू के साइड नहीं थी ना केहू के साथ दे रहल बानी। हम अपन जिंदगी जी रहल बानी और हमके केहू से कोनो मतलब नहीं। मतलब होखे चाहिए ना राज भैया। देखी, या तो आप पांडव के साइड हो सकेला या फिर कौरव के। ई बीच में जो लोग हो खेले ना, उनके साथ कुछ भी अच्छा ना हो खेला। अब प्रज्ञा के सरकार तो बहुत जल्दी गिरे वाला बा, वो भी बहुत बुरा तरह से, बिकॉज ओकर डिवोर्स जैसे ही होखी ना, वो यहाँ से ऐसे भाग जाए। अब सोच ली कि आपके का करे का बा, कि एके पहले की कश्ती डूबे, हमके लगा था कि आपके आपन आगे के मकसद सोच लेवे के चाहिए। लास्ट मोमेंट पे लाइफ बोट भी ना मिली। वो कहा ना तनु कि आजकल हम तैरे सीख रहल बानी, तो हमके गयो के सहारा की जरूरत नहीं है। एक अजीब से जवाब दे के गलन। रिलैक्स तनु, ये जो बोली दे बोनी हमनी के का फर्क पड़ेला, लेकिन हाँ हमनी के अपन मेन मोटिव पर कॉन्सेंट्रेट करे के चाहिए। लेट्स गो। तो सच में काम करा तारू या काम करे के बहाना मुँह छुपाओ तारू, ताकि हम तो से कल रात के बारे में कोनो सवाल ना पूछ पाए। हम काहे मुँह छुपाए बा, हम कोनो चोरी थोड़े ना कैले बानी। चोरी ना कैलू, लेकिन तू चोरी करे में मदद तो कैलू। आपके कहे के का मतलब हो? हम कहले रहनी उ दूर से चोरी करे खातिर। देखा ना, तो हम गलत काम करी ले ना गलत काम करे में क्योंकि मदद करी ले। हाँ एक्चुअली हरीशचंद के भी सच बोले के ट्रेनिंग तू ही देले बाड़ू ना? हाँ देले रनीता। और चोरी के ट्रेनिंग भी तू ही देले बाड़ू ना? देखा अब ये फालतू के इल्जाम लगाए बंद कर दा हम पे। अच्छा तब बताओ हमके केकर फोन आई रहे? कहे कि हम जाना तानी तू लॉयर के ना जाने लू और निखिल तोरा के फोन ना कर सकेला, तो के तरह के फोन करके होइजा बुलेलस? ओ हम ना बता सकब। झूठा बाड़ू तू। हम झूठ ना बोल रहल, हम सच 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 छिपा रहल बानी हम, और सच छिपाई झूठ बोलब थोड़ी ना होत। ऐसन के कहलस? अरे भगवान कृष्ण, वो तो महाभारत कले रहने की अश्वत्थामा मर गए, लेकिन ई ना बतावल की अश्वत्थामा हाथी मर गए। तो वो अगर सच छिपा सके ले, तो हम भी सच छिपा सके नहीं। पता बतारा टीचर ना, तारा ही नेता होखे के चाहिए। काहे काहे कि जौन तरह सच छुपावे खातिर ही नेता लोग एक है बात के गोल मटोल करके बोलत रहे लेना, उहे तरह तो सच छुपावे खातिर बार बार अलग चीज बोलत रहो। आपके बिना रॉकस्टार ना करो, रूलिंग पार्टी के ओपोजिशन होके चाहत रहे। काहे काहे? जैसे ओपोजिशन पार्टी ना कोनो सही काम के भी गलत दिखावे के कोशिश करेले, आप भी तो वही कोशिश करेले ना? हमेशा हमके गलत साबित करके कोशिश करेले, जब आपके पता भी होकेला कि हम सही बानी, तब ये कोशिश करे ले कि साबित हो जाए कि हम झूठ बोल रहल बानी या कुछ गलत कर रहल बानी। तू अपन काम करा यार। हम देता नहीं ना, हम ले रहल बानी। अरे हम दे देब ना। सहारा देवे के कोनो जरूरत ना, आदत पड़ जाए, हम के अकेले रहे की आदत है। अभी अभी कहाँ पड़े तू? हम कमरा में बानी, अंदर आ जा। इला पढ़े के इका बा, ई डॉक्टर की रिपोर्ट ईमेल लिखला कि बेबी प्रीमैच्योर है, एला डिलीवरी कबो भी हो सकेला। तो चिल्लात कहे बड़ू, प्रीमैच्योर का हमरा वजह से होत बा? बाकी डॉक्टर तब 2 महीना के बाद के डेट दिए रहे ना। अभी बच्चा
कोनो प्रोडक्ट ना जे डिलीवरी डेट पे आई बेबी प्री मैच्योर होई से 9 महीना से पहले डिलीवरी होकी। तनु सही कह रहल बिया, गायनेकोलॉजिस्ट बोलले बा की 7 महीना के बाद बेबी कबो भी हो सकेला। बच्चा कैसन हो सकेला, हमनी के तो शादी भी ना भइल बा अब तक, और लीगल फॉर्मेलिटी और सब कुछ। अभी ई सब बात ही बच्चा के थोड़े ना पता, एक ही तो जब दुनिया में आवे के होकी तबे आई ना। अगर हमनी के शादी से पहले बच्चा दुनिया में आई ना तो हमनी के नाम खराब हो जाई और ई बच्चा के लाइफ पे भी असर पड़ी। तो एक सलूशन बाकी हम केहू सलूशन मंगलस तरह से तो चुप ही रहता बेहतर बा। आले के बात ना सुनने के बाद मत सुनो, लेकिन सलूशन यह है कि हमनी के जल्दी ही शादी करे के होगी। तनु हमनी जल्दी से शादी कैसे कर सके, अभी तक हमके डिवोर्स ना मिलल बा, वो लीगल फॉर्मेलिटीज भी तो हमके पूरा करे के पड़ी। अभी वो सब कुछ सोचे के टाइम ना है तोरे पास। ये वक्त अगर कुछ सोचे के बाद हमने के बच्चा के बारे में कुछ सोचा, डिवोर्स पेपर पे साइन तो हो गए ना, आगे के प्रोसेस कबो भी हो सके ले, लेकिन शादी कबो भी ना हो सके ले, वो अभी करे के पड़ी। अगर अभी तू कहा था हम कल ही शादी करे ला तैयार बनी। कल तनु इस शादी में कोनो पार्टी ना जो उन्हें एक दिन में ऑर्गेनाइज हो जाए। अभी कल महिला बोल रहा बानी कहे कि कल पूर्णिमा, कल के दिन बहुत अच्छा, अगर कल हमने के शादी हो गई तो हमने के पूरा लाइफ बहुत अच्छा से निकली बिना कोनो प्रॉब्लम के। तनु एक दिन में शादी कैसे हो सकत बा, सब कुछ ऑर्गेनाइज भी तो करे के पड़ी ना, तू ही तो चाहत रहलू कि एगो लाइविश वेडिंग हो। अभी अगर लैविश वेडिंग के चक्कर में रहनी तो हमने के बच्चा हो जाए, और फिर जब हमने शादी करब तो बच्चा गोद में लेके शादी करब। अभी तो समझत काहे नहीं के, हम जे कुछ भी कर रहल बानी हमने के बच्चा ला कर रहल बानी। अभी हम ना चाहिले कि हमने के बच्चा ही दुनिया में आए तो ओकरा पापा के नाम ला वेट करे के पड़े, और जब हम हॉस्पिटल में रहब तो ओही जो तो पापा के नाम लिखवावे के पड़ेला ना, तब का लिखवाएबू वहां पे। अभी ये हमने के प्यार के निशानी, हम चाहिले कि जब ही दुनिया में आए तो हमने के खुशी होए ना ही शर्मिंदगी। तू चाहला कि तेरे सामने दुनिया वाला तुहारी बच्चा के ना जाए, बच्चा के कैसन लाइफ देवे का ही हमने के सोचे क्या, तू डिसाइड कर अभी कि तोरे ला का ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तोहर खुद के लाइफ या ये बच्चा के लाइफ। तनु हम अपन लाइफ के सारा डिसीजन खुद ले ले बानी, और हम ऐसा कोनो डिसीजन ना ले जेकर सीधा असर हमनी के बच्चा पे हो। माँ बाप के बिना जियल का हो खेला ही हम अच्छा तरह से जाने ली, और जो हमरा साथे भइल बा हम अपन बच्चा के तरह ना होके दे। अगर ये प्रॉब्लम के यह सलूशन बा कि हमके शादी करे के पड़ी, तई ये बच्चा खातिर हम शादी करे खातिर तैयार बानी, काले कइल जाए शादी। सच अभी अभी थैंक यू सो मच अभी, आई लव यू, थैंक यू अभी। लेकिन तनु हम प्रज्ञा के काल बोलब। तू चिंता मत करे, अभी हम प्रज्ञा से बात करो, अभी हम बहुत खुश बानी कि हमने के 12 घंटा में शादी हो जाए, 12 घंटा के बाद हम मिसेस अभिषेक मेहरा के नाम से जानल जाए, और हमारे बच्चा के भी पापा के नाम मिल जाए। थैंक यू अभी, आई लव। तनु हम अभी आवता नहीं। पूरब कहाँ बा? वो कई पैसे करामात तो ना कर गए? अगर वो पूरब, अच्छा भल तू आ गई ला, वरना तरह के बुलाविला हम केहू के भेजे वाला रहनी। हमें आप लोगन के बतावे रहल कि हम आई एम सॉरी, हो सके तो प्लीज हमके माफ कर दे, रियली सॉरी। पूरब तू हमार छोट भाई जैसन बाड़ा, तारा पे थोड़ा गुस्सा ना कर सकेनी का? हाँ नाराज रहनी, लेकिन इतना ना कि तू कि तारा के हमसे ऐसे माफी मांगे पड़े। पूरब हम ऑलरेडी बुलबुल के खो चुकल बानी, अहिला तू लोगन के लेके परेशान भा। हम ना चाहे लेकिन हमरे वजह से तू हम सब पे कौनो मुसीबत आवे, एहिला कह रहल बानी दोबारा प्लीज ऐसन कुछ मत करिया।
आई प्रॉमिस दी दी आगे से जौन भी कदम उठावे के हो कि जौन भी करे के हो कि आपके आपके परमिशन के बिना ना करब बट आई एम रियली सॉरी। भरत मिलाप तो हम कई बार सुन ले बानी लेकिन लक्ष्मण और सीता मिलाप पहला बार देख रहल बानी। जे देवर भाभी भी बाड़े और बहन भाई भी ठीक बाप अब खत्म कर आई सीन वरना हमके रोना आ जाए। प्रज्ञा तहरा की का लागत है तनु अब का करी? वो जे भी करे दादी लेकिन ओकरे कुछ कैले से पहले हमनी के कुछ करे हो कि काहे कि हमनी अफोर्ड ना कर सकब कि वो कल की तरह दोबारा हमनी के फंसा देवे। बेटा वो तो इहो भी ना करत अगर आकाश और पूरब उहा गइल ना होकते पर कौनो बात ना हमनी के पास 2-2.5 महीना के टाइम बा हमनी कुछ ना कुछ सोची सके नी ना। दीप दी का हमनी कोर्ट में जाके कुछ ना कर सके नी जज के सामने कोनो ऐसा सबूत पेश करी जैसे जैसे वो डिवोर्स के पेपर पर कोनो स्टे ऑर्डर लगा ले समथिंग। स्टे ऑर्डर ला हम की या इनके रिक्वेस्ट करे होखी और हम खुद ही वो पेपर्स भी साइन कहीं हम वो पेपर्स के अगेंस्ट ना जा सके नी। भाभी कहे ने वो काम करे हमनी के जॉन फैमिली पंडित बा ओकरा पैसा दे देता नी और ओकरा से ही कहलवा देता नी कि शादी एक साल तक नहीं हो सकत सिंपल। अकस तनु मुहूर्त की इंतजार ना करे वाला जॉन दिन डिवोर्स बैला ओकरे अगला दिन ही शादी कर ले ठीक कह लो चाहे दूसरे दिन अमावस्या ही काहे ना होखे। जे भी होके हमके लागत अभी सोचब बंद करके कल सुबह मिलल जाए फिर सोचब कि आगे का करे के बा। जी प्रज्ञा मैम तनु मैम आपके कमरा में आयल बड़े वो आपके बुला रहल बड़े। तनु हमार कमरा में का करल भी है? पता ना मैम बस आपके बोलोली ना। तनु तो हमार कमरा में का करल पाड़ू तर हिम्मत कैसे भइल हमार कपड़ा के हाथ लगावे के। हम तो तोहर हेल्प करत रहनी प्रज्ञा वो कहा कि हमके लगल कि तू कल जाए वाला रहला तो तोहर पैकिंग कर दी। तर दिमाग तो ना खराब हो गए तू हमके आपन ही घर से भेज रहल बाड़ू। हम ना भेज रहल बानी पर कल सवेरे जे होखे वाला हो सकेला ओकर बाद तो खुद ही घर छोड़ के चल जा कल यानी कि 10-12 घंटा के बाद हम अभी से शादी कर रहल बानी। एंड थैंक यू सो मच कल रात जे कुछ भी भाई अगर तू ना करता तो कल हमारा अभी से शादी ना हो। पता बा तू पूरब और आकाश के लॉयर के ऑफिस में भेज के हमारे दिमाग के बत्ती जला दे हमके लगल कि डिवोर्स पेपर पे साइन हो गेल तो डिवोर्स भी हो जाए पर ना तू सामने से वार कइला तू ही डिवोर्स पेपर चोरी करवावल चाहला काहे कि ताकि नहीं डिवोर्स और नहीं शादी हो। पर अफसोस अफसोस कि तुहार दोनों चोर पकड़ल गए अब हम तो के कुछ करे के सोचे के समझे के मौका ना दे। कल सुबह हमार अभी के साथ शादी है और एक ठीक बात विदाई विदाई हमार ना तोहार हम तो यही घर में रहो बस तोहार डिवोर्स कंप्लीट हो जाए फिर रजिस्ट्रेशन भी हो जाए और रिसेप्शन भी हो जाए। कल सुबह अग्नि के साक्षी मान के अभी तोहार मांग से सिंदूर निकाल के हमार मांग में भरी तोहार साथ छोड़ के हमार हाथ पकड़ के साथ फेरा ली अब तो तू हमने के अलग ना कर पाईबू ना। अरे भाई तू ही तो कहलू ना कि सिंदूर और मंगलसूत्र पति पत्नी के जोड़े रखेला बांधे रखेला अब तो तू हमने के अलग ना कर पाईबू। आई थिंक तोके घर से चल जाए के चाहिए इनफैक्ट शादी से पहले ही चल जाए के चाहिए तब तक हम रॉबिन के कह देता नहीं कि तुहार सारा सामान हटा के हमार सामान यहाँ पे रख दे। अब कहा कि अभी से शादी हो रहा है हमार तो ये कमरा में भी तो हम ही रहब ना 10 घंटा बहुत कम होएला यही हम सोचने कि अपने साथ साथ तुहार भी तैयारी कर ली चिन्ह प्रज्ञा तु घर के ऑनर बाड़ू तो तू चाहता गेस्ट रूम में रह सके या फिर दादी के कमरा में और दादी गेस्ट रूम में रह ली है वैसे यू नो व्हाट ये सब चीज ना
तू और दादी डिसाइड करिए कि कौन गेस्ट रूम में रही और कौन दादी रूम में रही, काहे कि हम तो अभी के साथ अभी के रूम में ही रहो। कब बकवास कर रहा है बड़े तू? बकवास? प्रज्ञा तू की सब कुछ बकवास लग रहा बा। यू नो प्रज्ञा, ये सब कुछ तो बहुत पहले ही हो जाए के चाहत रहे, पर आई थिंक तुहार किस्मत के कुंडली में शायद राजयोग थोड़ा ज्यादा टाइम रहे, वरना हम तो के उहे दिन घर से बाहर निकाले चाहत रहे चौन दिन तुहार शादी होल रहे अभी से। और अब हम तो के तुहार औकात दिखा के रह। वैसे तो के तुहार औकात दिखावे की जरूरत ही कहा, आई मीन तू खुद अपन चेहरा आईना में देख ला, तो के का लगता कि अभी तुहार जैसन मिडिल क्लास और बहनजी टाइप की लड़की से शादी करे चाहता ना, वो हमेशा से हमार जैसन सुपर मॉडल के साथे रहे चाहत रहे, जे के साथ वो कहीं बाहर जाए तो का स्टेटस बढ़े, न कि तुहार जैसन लड़की के साथ बाहर जाके अपन स्टैंडर्ड डाउन करे। प्रज्ञा यू नो पैसा होखला से ये सब कुछ ना होखेला, एगो क्लास नाम के भी कुछ चीज होखेला जो इंसान पैदा होखला के साथ ही अपने साथ लेके आवे, लेकिन अफसोस कि वो क्लास तू अपने साथ ना लेके आए, तो ई जन्म में तो तू अभी के भूल ही जा। तू हमार माना तो तू अपन माँ के घर चल जा, वहां पे जाके अपन माँ के सेवा कर, पुण्य कमाओ, कह कि यहाँ पे रह बना तो सिर्फ दुख और दर्द मिली तो के। तनु प्रज्ञा दी के उनके ही कमरा में मिले खातिर कहे बोलस? बहुत चंट पियाओ, जब भी प्रज्ञा के अकेला में मिले लेना कौनो ना कौनो बम फोड़े ले बेचारी के सिर पे। आवा अभी का बात है, तू कुछ कहे चाहत बाड़ा? दादी आप जो उन काम कहले रही वो हम कर देनी, और ओकरा खातिर प्रज्ञा हमके माफ भी कर देली। दादी पता बा हमके, हम भी तोरा के माफ कर देली रहनी। अब जब केहू के दिल में हमरा खिलाफ कुछ नहीं खे तो हमरा वो काम करे के चाहिए जेकरा खातिर हम प्रज्ञा से डिवोर्स ले बानी। काल हम तनु से शादी करे जात बानी, कहा दादी ये काम आप लोग के बिना ना हो सकेला, एक खातिर सबसे पहले आप सबके बताओ तानी। काल सवेरे 10 बजे हमने दुर्गा माँ के मंदिर में शादी करा तानी, आप सब लोग ली ही साहिब। का हो गया दादी, के ई क्या बोल के जा रहा बा अचानक से शादी करब? और पूरा भी सोचे के तो टाइम ही ना बचल हमनी के पास, 12 घंटे से भी कम टाइम बचल बा, अब का कर? बेचारी प्रज्ञा दीप अभी वो सोचा था नहीं कि उनके पास वक्त बा, बाकी यहाँ तो अभी अपन ही कोनो डिसीजन ले लेलस। बेचारी प्रज्ञा जब भी कुछ करे लगेली उसे पहले ही भगवान ओके इम्तिहान में डाल देवेला, का करी हमार बच्ची। हम जाने रे प्रज्ञा कि तुहार जैसे मिडिल क्लास लड़की बचपन से यह सपना देखी कि कोनो अमीर लड़का से शादी करो, कोनो सेलिब्रिटी फेमस या स्टार। वेट अ सेकंड, हमारे पास कुछ बात आ रहा है। टेंटेना इतोरे ला, अब तो यह रॉकस्टार के साथ रही हो, जब भी अभी के याद आए ना तो एक देख लिया,
पर मुड़ के कभी मत देखियो। कितना मीन बाड़ू तू। ऑलरेडी बेचारी इतना अकेला भी और तू ओकरा साथ ऐसन कर रहा है बाड़ू। वेरी बैड। अब वेट अ सेकंड, आई बी राइट बैक। सरप्राइज पुगी। थोड़ा हाथ में दर्द बा। यू नो रॉकस्टार तो अकेला पड़ गए, ओकरे साथ में फुग्गी तो बने ली। चश्मिश ई चश्मा वाली ये बुलावे लो ना तू एके। अब कहा है ना एक अपना पास रखा। वेरी गुड। जब कभी भी तरह के रोए के मन करी ई सोच के कि भाई और तू अब साथ में ना बाड़ू, तब तू ई गुड्डा गुड़िया के ना अब साथ में रखिया और आपन उस सो कॉल्ड स्टूपिड कुमकुम भाग्य में इनका शादी करा दिया। कैसा लगा आइडिया? ना आलिया, हम चाहिले कि अकेला रहे, ये हमार और अभी के बनल बनावल जोड़ी तोड़ देला। हम चाहिले कि एकरे पास ऐसा कोनो इंसान ना हो जिकरे साथ ही अपन दुख बांट सके। गुड्डे गुड़ियन के साथे ना रहे दे। आलिया यू नो व्हाट, इतने टाइम के बाद हमके तसल्ली हो रहल बा ई बात से ना कि हमार अभी से शादी हो रहल, बल्कि ई बात से कि ई घर छोड़ के जा रहल बिया। चौन दिन हमके पता चलल कि अकेले रहल सीख ले लख, मूव ऑन कर चुकल बिया। तब हम अभी के लेके एक एक घर पहुंचे, एकर जखम के कुरे दे। हमने दोनों के साथे देख के शायद एकर जख्म फिर से ताजा हो जाए। बहुत टॉर्चर कर लू है ना तुम के, हमार लाइफ हमार करियर सब कुछ बर्बाद कर दे लू हमार, लेकिन अब हम तोके बर्बाद कर दे। तनु रिलैक्स, ऐसन हालत में तहरा के हाइपर ना होके चाहिए, जस्ट काम डाउन। वैसे भी इता अकेले ही तहरा के परेशान कई लगना, लेकिन हमके तो दो लोग बहुत परेशान कई लग, ई और एकरू थर्ड क्लास बहिन बुलबुल। उ बुलबुल हमसे हमार पूरब छीन ले लग और ई हमसे हमार भाई, हमार भाई हमके मर लग, हमके मर लग, ई घर से बाहर निकाल दे लग हमके, हम जेल में रहनी। उ सब कुछ एकर वजह से और एकरू स्टूपिड बहिन के वजह से। जाने लू तनु, अगर कानून हमके अलाउ करे ना एगो खून करे खातिर, था उ एगो खून हम एकर करब ओ 10 बार। इतना नफरत करेनी हमें से। But you know what? मरल आदमी के का मारब। हालत देखा बेचारी के, का हालत बन गई बा तहार प्रज्ञा। बहन गई, पति भी गई, माँ भी एगो लाश के बराबर बिया। तनु हमके तो डर लग रहा बा कल तहार शादी के देख के कहीं एकर माँ अपने आप के खुद ही दफना ना ली या फिर कुछ करना ली। Oh my God, oh my God, oh my God, तनु, I cannot tell you, तहार शादी के खुशी तहरा से ज़्यादा था हम के हो रहल बा। Right? 12 घंटा बचल बा, 12 hours। जितना जिए के बा उतना जी ला, काहे कि ओकरा बाद तक तहरा के हर एक मिनट मरे के बा। एक्चुअली हमरा साथ में आवा, कम देखा, गौर से देखा अपने आपके प्रज्ञा। आखिरी रात बाई तहार सुहागन के तौर पर, ओकर बाद में तहार ना सुहाग होगी ना तहार पति। ओप वेट अ सेकंड, ई का बा? देखा तहार कुमकुम, अब ना ता ई कुमकुम तहार रहल और ना ही तहार पति, यानी के तहार कुमकुम अब केहू और के भाग्य में लिखल जा रहल बा। ईल गौर से देखा अपना आपके, देखा देखा तू हिटलर बनकर आयल रहलू अपन पति के ओकर दुश्मन से बचावे खातिर, और देखा ना
व्हाट एन आयरनी, मतलब खुद के भी रक्षा ना कर पाइलो, अपन ससुराल बचावे आयल रहलो, अपन मायके भी ना बचा पाइलो। आई मीन सुहागन बन के आयल रहलो लेकिन, और खुद सुहाग के बिना रही। उस दिन अभी हमके एकरे वजह से बहुत डांटला, तो कहा कि उस दिन हम इनकर कमरा में आई, उनका शादी की फोटो के हम बीच में से काट दे। बेचारा बहुत दुखी रहे अभी, और वो ई ना चाहत रहे कि प्रज्ञा ई पिक्चर के देख वो कटर, तो बीच में टेप लगा दे और फोटो के जोड़ देगा ताकि प्रज्ञा के पते न चले। पर कोनो बात ना, प्रज्ञा एगो काम कर, ई पिक्चर ले और एक ही अपने साथ ले जा, कहा कि हम अपन शादी के फोटो अभी के साथ ई दीवार पे इतना बड़ फोटो लगाए, तब तोहार ई छोट मोट फ्रेम के आई जा कोनो काम ना, तू एक ही अपने साथ अपन मायके ले जा। तनु, यू नो व्हाट, तारा के पता बा तू कितना इविल बाड़ू, थोड़ा सा तो सोचल कर केहू के बारे में, का बोले के बा और का ना। हमके तो डर है ई फोटो फ्रेम तो लगावल दूर के बाद बा कहीं खुद के फांसी ना। तनु, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, कहीं ऐसा ना होके कि तहार शादी पोस्टपोन करे के पड़ जाए एकर सोसाई के वजह से। ना ले ऐसा ना हो, चाहे अगर मर भी जाए ना तो भी हम कल अभी से शादी करके ही रहो, चाहे हमके एकर जलत चिता के फेरा काहे ना लेवे पड़े। चल लेट्स गो, तहार शादी के बहुत तैयारी करे के बा। आप प्रज्ञा याद रखियो कल सवेरे 10 बजे दुर्गा माँ वाले मंदिर में। See you. Bye. ये सब कहा अभी तू ऐसे कैसे कर सकेला? पहले तू तो धोखा से प्रज्ञा दी से डिवोर्स पेपर पर साइन करेला, और डिवोर्स होके से पहले ही तू तनु से शादी करे जा रहल बड़ा, तोरा के होका गेल बा? का तू सोच लेले बड़ा कि दुनिया में जितना गलत काम बा वो सब तू करके रह बा? ये शादी, ये डिवोर्स, ये सब का तू मजाक बना के रख ले बड़ा का? पूरब तू सब में मत पड़ यार, सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हम क्योंकि कुछ ना समझा सके, खास करके तोरा तो हम कुछ चुना। का कहला तू? तू कुछ एक्सप्लेन ना कर सकेला, हमरा के कुछ ना बता सकेला, मतलब अब हम तोहर कुछ ना लगेला, तू हमरा से सारा रिश्ता तोड़ देला, या तनु तोरा के ऐसा बोलस कि उसे शादी कैला के बाद तू केहू से और कोनो रिश्ता ना रखबा? पूरब। हाँ पूरब, उहे पूरब जेके जेके तू अपन फैमिली मेंबर बनले रहला, अपन दोस्त बनले रहला, अपन सबसे अच्छा भाई बनले रहला। आज तू इतना बड़ा डिसीजन लेवे से पहले तू पूरब से एक बार पूछे के भी ना सोचला? तू बदल गेला अभी, वो तो अच्छा भेल कि आज हम तोरा घर में रहनी और हमके सब बात पता चल गई, वरना तू हमके बताए जरूरी भी ना समझता। यू नो व्हाट, तू आज हमके अपन असली रंग ना देखे ले बड़ा, तू हमके हमार असली औकात देखा दे ले बड़ा, तू हमके समझा दे ले बड़ा कि जेकर कोनो फैमिली ना होखेला होकर ओकर कबो जिंदगी में कि वो दोस्त हो भी ना सकेला। तू हमके यकीन दिला देला कि हम तुहार सिर्फ एगो मैनेजर रहनी जे तुहार प्रोफेशनल मैटर्स में इंटरफेयर कर सकेला, लेकिन तुहार पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस के कोनो हक ही ना बा हमरा के। कल तू एगो नया रिश्ता जोड़े जा रहल बड़ा, और आज तू एगो पुराना रिश्ता खत्म कर देला, और हमके तो तुम्हार लाइफ में होके के कोनो हक भी नहीं के, इनफैक्ट हमके तुम्हार घर में भी होके के कोनो हक नहीं के, और हम यहाँ से जा रहल बनी पूरा।
पूरब हमार बात तो सुन यार, प्लीज हमके माफ कर दे यार। तू भाई बाड़े हमारे यार, तोहरा अलावा हमार बा के डिवोर्स के वजह से प्रज्ञा हमरा से बात ना करेली, तनु शादी के अलावा और कोनो बात ना करेली, दादी हमसे नाराज बाड़ी और आलिया तो देख पूरब हम जानत बानी तू सही बोला था रे, लेकिन हम मजबूर बानी, मजबूरी में हमार साथ मत छोड़ यार। कल के सोच सोच के हमार हालत खराब होत बा यार, दिल कुछ और कहत बा, दिमाग कुछ और समझत बा, हमके पता नहीं कि हमरा साथे होत का बा पूरब। जब तू जाना तड़ा कि तुम्हार दिल कहा चाहता तो तू अपन दिल के सुना ना। दिल तो बहुत पहले से हमके बतावत बा पूरब, लेकिन हम सुने में देर कर देनी, अब तो बहुत देर हो चुकल बा पूरब। कल के शादी फिक्स हो चुकल बा, तनु के मॉम डैड कल आ रहल बाड़े, प्रज्ञा से डिवोर्स ले चुकल बानी हम चाह के भी कुछ ना कर सकेली पूरब। ना दादी, अब ना हम और रोएब ना आप हमके दिलासा दी है, बहुत हो गई सब कुछ, हक की लड़ाई सच की लड़ाई सब खत्म, हमके कौनो हिम्मत ना चाहिए, कौनो उम्मीद भी ना चाहिए, सारा लड़ाई खत्म हो गई दादी और हम हार गए। एक्चुअली दादी हम बहुत बहुत पहले ही हार गए रानी, बस अपन हार के झेल ना पावत रानी, आप लड़े खातिर कहानी था लड़े की बहाना से सिर खुद के बहलावत रानी, आप हमके गलत बात सिखवनी दादी, अब गलत रानी कि सुहाग में ताकत हो के ले, प्यार की ताकत हो खिले, जहाँ कुमकुम हो खिला वहीं आपके भाग्य हो खिला, केहू भी तो ना बा हमरे साथ आती, हम तो बिल्कुल अकेला बानी, और केहू बा तो कहाँ बा वो साथ फेरा, कहाँ बा वो मंगलसूत्र, कहाँ बा वो कुमकुम, ये सब चीज तो छोड़ी हमार हमार केहू आपन भी अपने साथ ना बा, एको बहन रहे वो साथ छोड़ के चल गई, माँ इतना बेबस बानी की चाह के भी मदद ना कर सके नहीं, और केहू भी अगर मदद करे की कोशिश करे ला तो मुसीबत में पड़ जाला। और दादी हम तानु से ना हारल बानी, हम अपन किस्मत से हार गेल बानी, हमसे बड़ा और के बदकिस्मत होगी दादी जेकर जिकर डिवोर्स भी अभी तक ना भइल, और ओकर पति क्यों और से शादी करे जा रहल बा, एको सिग्नेचर पे जी खत्म हो जावे वो रिश्ता कैसन रिश्ता है दादी, जब हमार कुमकुम के भागी हमार साथ ना दे लग तो और के हमार साथ दे, आप गलत करी हमसे दादी की सच खातिर लड़ा, झूठ पे टिकल इस दुनिया में सच खातिर कौनो जगह ही ना बता दी, सब खत्म हो गए, सच खातिर कौनो जगह ना बता दी ही दुनिया में। ना प्रज्ञा बेटा ना, ऐसा ना है, ऐसा नहीं बात दादी, ये पूरा दुनिया में आपकी जिंदगी के अलावा आपके आपके कुछ ना बात, जब बाकी हमार कुछ बाड़े ही ना तम ओकरा ल काहे लड़ी दादी, वो तनु से शादी करल बानी दादी, सब खत्म हो गई, कुछ खत्म ना भइल बा, अभी भी तोहरा में गुस्सा बा, और ई गुस्सा ही बता रहल बा कि तू अभी अंदर से टूटल ना बाड़ू, तोहार गुस्सा ही बता रहल बा कि तू अभी हरलू ना, तोहार गुस्सा ही बता रहल बा कि तू अभी भी लड़ सकेलू और जीत सकेलू। ई तोहार गुस्सा ही तोहरे अंदर के आग है बेटा, इहे आग तोहरा के अभी तक जला के रख ले बा, जब तक ई आग बा तोहरा में
तोहरे अंदर भी जीत के जज्बा भी कायम रही। हम ए वक्त तोहरा के हौसला या हिम्मत ना दे रहल बानी। हम सिर्फ इतना कहब कि जैसे अभी तक तोहर तलाक ना भइल बा, वैसे ही तनु के शादी अभी तक ना भइल बा, और जब तक ओकर शादी ना होत तोहरा के आपन हार ना माने के बा। नेटा, तोहरे पास अभी भी वक्त बा, शादी के अभी टाइम बा। तू चाहा तब बहुत कुछ कर सकेलू, बहुत कुछ। कुछ ना कर सकेनी हम। डिवोर्स पेपर पे साइन हो चुकल बा, शादी की तैयारी हो चुकल, तनु के फैमिली आ रहल भी, हम का करी दादी? जे भइल ना ओकरे बारे में काहे सोच रहल बाड़ू, जे हो चुकल बा ओकरे बारे में सोच। आपन आँख बंद कर और आपन शादी के याद कर। ई तोहार साथ फेरा ही रहे, जौन तोहरा के और अभी के हर हालात में एक साथ रख लक। ओ प्यार रहे या नफरत रहे, लेकिन तू दोनों साथ ही रहला। अभी तोहार है और तनु के साथ शादी होखे से पहले तक वो तोहार ही रही। तनु तोहार पति ना छिनलक, तू अभी के ओकर होखे दे रहल बाड़ू। अरे तनु के शादी होखी तबे वो पति बनी ना ओकर, लेकिन शादी होखले से पहले तू अपन पति काहे ओके दे रहल बाड़ू, हार से पहले काहे हार मान रहल बाड़ू। सावित्री के पति के प्राण यमराज आपन वश में कर ले रहले, लेकिन सावित्री आपन पति के ना छोड़ला। वो लड़ल यमराज से और आपन पति के वापस ले लेला। तू तो जियते जी आपन पति के छोड़ रहल बाड़ू। तोहार साथ फेरा अभी तक तोहरे साथ बाढ़े, और जब तक तनु के साथ फेरा ना हो जात तब तक तू लड़त रहा जब तक कि तू हार ना जाइतू या फिर जीत ना जाइतू। अभी अगर सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल चुकल बा, तुम्हारी लाइफ भी तुम्हारे ना रहल, तब बस आज की रात एगो आखिरी रात है जौन तू अपन दिल के सुन सकेला, वो कर सकेला जौन तू करल चाहता रहा। अभी तोरा के प्रज्ञा दी के साथ होके के चाहिए आज। वो चाहे जितना भी दिखावे वो स्ट्रांग बाड़ी, उनका के कोनो फर्क ना पड़ेला, बाकी अंदर से वो तोरा से ज्यादा टूटल बाड़ी। हमार बात माना, उनके तोहर जरूरत बा, तू आज के रात उनके साथ ही रहा प्लीज। पूरब सही कहा था, ये आखिरी रात बा जब हम अपने मन के कर सकत बानी। हमके आज रात प्रज्ञा के साथ ही रह के चाहिए। अभी अच्छा बोलते, उनके आईजी मिल गए, हम की तरह से कुछ बात करके बात। चल, रात बहुत हो चुकल बा, हम निकल सवेरे बात कर लिए। अभी कल तो हमने के शादी है ना, हम के अभी बात करके बा, कम ना। चलो हमरे साथ। ई देखा अभी, ई हम अपन शादी ला सेलेक्ट कर ले बानी, कैसन बा? अच्छा बा ना? अभी हम हमें के पहन के दिखाता नहीं, और भी अच्छा लगी ना। तनु अभी रात बहुत हो गई बा, कल सवेरे पहन लिया। कहाँ रात हो गई बा, अभी हमके तो पूरा रात नींद ना आए एक्साइटमेंट में, बस 5 मिनट। अरे तनु, हम कहनी ना हमके अभी ना देखे के बा, कल सवेरे पहन लिया। तारा एक बात समझ नहीं किया का? I'm sorry, तनु हम बहुत थक गए बानी, और कल सवेरे भी बहुत सारा काम करे के बा, ये खातिर अभी सोच जाइब तो कल सवेरे फ्रेश रहब। कल जब तू एकरा शादी पे पहनबू तबे देख ले। गुड नाइट। देख लो तहार पापा कौन तरीका से गुस्सा कर ले तहार मम्मी पे, पर कौनो बात ना, कल तेरे पापा के गुस्सा भी खत्म हो जाए और तेरे मम्मी के सब टेंशन भी खत्म हो जाए,
कल हमार नाम अभी अभी द रॉक स्टार से जुड़ जाए और निखिल निखिल पास्ट में रह जाए।